बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमजद नूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल मंडी मेला इन्फो देख रहे हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया है कि आज मैं एक सेटअप पर मौजूद हूं और सेटअप के ओनर मेरे साथ मौजूद हैं। इनके सेटअप का मैंने आज आपको एक ओवरव्यू दिया है, इसलिए कि अभी सेटअप इनका तैयार हो रहा है। ये एक सेटअप इनका है जो कि बहुत बड़ा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सेटअप छोटा है और इसके मुकाबले में इनका जो दूसरा सेटअप यहाँ करीब ही तैयार हो रहा है वो मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा, सस्पेंस है। आपने मेरे साथ वीडियोज़ में इसी तरह जुड़े रहना है, मेरी वो वाली वीडियो भी आपने चेक करनी है जब मैं इस सेटअप की भी और उस सेटअप की भी कम्प्लीट वीडियो आपको बना के दिखाऊँगा। तो मिलते हैं शाहजी से। शाहजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह ठीक है। आप अपना नाम बता। मेरा नाम है जनाब सैयद अदील शाह। अच्छा शाहजी, अपने सेटअप के बारे में बताएं कि आप यहाँ पर क्या मतलब अभी सेटअप करना चाह रहे हैं और क्या क्या रखना चाह रहे हैं और दूसरे सेटअप पे क्या करना चाह रहे हैं। पहले तो हमें थोड़ा बहुत शौक था इन चीज़ों का। अच्छा। क्योंकि फिर वक्त के साथ साथ और बढ़ता गया, तो फिर हमने इसमें सोचा है कि ठीक है इसको एज ए प्रोफेशनली किया जाए। ठीक है। मैंने देखा कि आपका तो माशाल्लाह जो शौक़ है वो तो बड़े वसी पैमाने पे मुझे नज़र आ रहा है। माशाल्लाह जिस तरह का शौक़ आपने रखा है, आपने मैंने जो अभी सेटअप पे देखा है कि आप कह रहे हैं कि अभी सेटअप लगा नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन मैं अभी इसको कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, तो हमारी ज़िद पे आपने वीडियो तो बनवा ली लेकिन आप ख़ुद मुझे बता दें कि आप अपने सेटअप पे क्या क्या रखना चाह रहे हैं। हम तकरीबन ऑल आइटम्स में मतलब जैसे कि एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ग्राउंड बर्ड्स हैं, फ्लाइंग बर्ड्स हैं और मतलब हर किस्म के यानी कि जानवरों में। ठीक है। अभी आपने हॉर्सेस रखे हुए हैं जी, यहाँ पर फैंसी पिजन्स रखे हैं जी, असील का भी सेटअप जैसे कि गुलफाम भाई को आपने देखा है वीडियो पे, अभी गुलफाम भाई से भी सलाम दुआ कराते हैं आपकी, असील का सेटअप है आपका, असील कबूतरों का है जी। और दूसरे सेटअप के बारे में आप मुझे बताएं कि वहाँ पे आपका क्या प्लान है। आप काफ़ी बड़े बड़े जानवरों के नाम ले रहे थे कि जी हमने इंशाल्लाह रखने हैं जी। इंशाल्लाह जी अपनी तरफ से तो ऐसा ही है। तो वहाँ पे क्या आप? वहाँ पर हम एज ए डॉग्स का, लायंस का, पैरट्स का, पीकॉक्स का, ठीक है, और इस टाइप की फिजेंट्स हो गए और पैट्रिजेस वगैरह लाइक, और मतलब कैनरीज हो गई लाइक, मतलब फिंचेस हो गई। ठीक। अच्छा जी, अभी जो ये एरिया जहाँ पर हम मौजूद हैं ये तो काफ़ी गुंजान आबाद एरिया है, इसका नाम क्या है? इस जगह का नाम है, ये तो बेसिकली लियाकत रोड के ऊपर राजा बाज़ार के जी राजा बाज़ार। ठीक है। और ये थोड़ा सा ये वाला सेटअप आपका, आप कह रहे हैं जो बहुत बड़ा है लेकिन आप कह रहे हैं छोटा है, तो वो थोड़ा सा अंदर करके है, लेकिन आपके मेन रोड पर जो सेटअप है वो आप बड़ा सेटअप लगाने जा रहे हैं जहाँ पर आप लायंस और डॉग्स वगैरह, डॉग्स की कौन सी ब्रीड्स आप रखना चाह रहे हैं वहाँ? डॉग्स भी हम ज़्यादा हैवी ब्रीड्स, इम्पोर्टेड ब्रीड्स जैसे लाइक ग्रेट डेन्स हो गए, केन कॉर्सोज हो गए, इस टाइप के हैवी ब्रीड्स में देखेंगे। ठीक है। Thank you।
इसके अलावा जो बर्ड्स आप कह रहे थे, आपके पास अभी इस वक्त लाइसेंस वाइल्ड लाइफ का है? टोटल जितने भी आपके जानवर जो भी होंगे आप रखेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर चीज़ अपने मतलब डॉक्यूमेंटेशन अपने वेरिफिकेशन सर्टिफाइड हैं। ठीक है व्यूअर्स, शाहजी का जो ये सेटअप है, फ़िलहाल तो मैंने आपको फैंसी पिजन्स दिखाए, कुछ और थोड़े से असील इनके पास अभी फ़िलहाल मैंने दिखाए। गुलफाम भाई को आपने वीडियो में देखा, अस्सलाम वालेकुम गुलफाम भाई, थोड़ा सा इधर आ जाएं ताकि आप हमारे व्यूअर्स को नज़र आएँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुलफाम भाई, क्या इरादा है आपका यहाँ? या इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना जी, देखें जिधर तक अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम अपने नीयत से, क्योंकि इंसान की नीयत पे सब कुछ है, जो अपनी नीयत के साथ ईमानदारी के साथ काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा सेटअप आगे से आगे लेके जाएँ। ठीक है, ठीक है। घोड़ों का भी हमें शौक़ है, कबूतरों का भी शौक़ है, असील कबूतरों का भी, और ये फैंसी कबूतर जो तकरीबन हमारे भाई हैं शाह जी, इनको शौक़ है। अब अल्लाह के हुक्म से उधर जो सेटअप तैयार हो रहा है ना, फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से आप देखें, पिंडी इस्लामाबाद में सेटअप ही कम होंगे, हमने क्यों बहुत नीयत और बहुत दिल से काम किया इस पर। ठीक है, दिन रात मेहनत करके अब ये शाह जी इस्लामाबाद होते हैं। ठीक है, ये कम अज़ कम एक महीने से घर नहीं गए। ठीक है, जाते हैं घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे होके बच्चों में बैठ के वापस आ जाते हैं कि इन्होंने कहा जी गुलफाम भाई हमने जल्द से जल्द ये सेटअप तैयार करना है। ठीक है, अभी वो उधर काम ही हो रहा है, वो काम कंप्लीट होता गया इंशाल्लाह अपने भाई को उधर का भी विज़िट कराएंगे। सही, ठीक है। हाँ व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना होगा कि शौक़ का कोई मुल नहीं, तो शाहजी ने वो मिसाल जो है वो यहाँ पर हमें लाइव दिखा दी है, क्योंकि शाहजी ने जो मैंने देखा सेटअप इनका, नया सेटअप जो बन रहा है, थोड़ा सा मैंने उसकी एक झलक देखी है, वहाँ पर बड़ी आला नस्ल के जो है वो बैल मुझे नज़र आए, घोड़े नज़र आए, लायंस आ रहे हैं और बड़ी अच्छी ब्रीड्स के डॉग्स भी आ रहे हैं। शाहजी, ये जो आपने जिस लेवल पर मतलब काम शुरू किया है, इसको आप आगे किस लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं? मतलब मुझे तो लगता है कि मिनी जू आपका ये तैयार हो रहा है। हाँ जी, हमने तो अपने शौक़ के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आगे बिज़नेस पर्पस में भी इसको लाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, आजकल जो भी नई जगह या नई सोसाइटीज़ लॉन्च होती हैं, वहाँ पर एज ए मतलब कंपलसरी कर दिया गया है इस चीज़ को, मतलब बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए। और मतलब और अब तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है, तो अब तो यही सिलसिला है। यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि जो सोसाइटीज़ वगैरह में मिनी जूज बन रहे हैं, वो भी तकरीबन इसी लेवल के हैं कि वहाँ पे हमें लायंस नज़र आते हैं? इससे भी अच्छे लेवल के हैं। ठीक है जी। बड़े पैरट्स हमें नज़र आते हैं। तो आप अभी जो डिजिटल मार्केट में, आप क्या सोच रहे हैं कि डिजिटल मार्केट में आप हमारे व्यूअर्स तक क्या अप्रोच करेंगे? आपने फेसबुक पेज आपका किस नाम से, आप जो सा है अभी फॉर्म जो आपने बनाया है वो किस नाम से बनाया है? और तो सारा कुछ इनिशियल स्टेज पे, अभी तो फाइनल स्टेज पे है नहीं, तो इंशाल्लाह जब ये फाइनल स्टेज पे आएगा तो इंशाल्लाह हमारा पेज भी आपको मिलेगा, जिसमें आपको हर चीज़ की मतलब हर चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी। आप मुझे कोई नाम आपने अपने इस सेटअप का फ़िलहाल रखा है, क्योंकि सेटअप आपका कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं कबल अज़ वक्त आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपने कोई नाम कोई इसका फ़िलहाल डिसाइड किया है? हाँ जी इंशाल्लाह, इसको हम एग्जॉटिक नेचर के नाम से जो है। अच्छा, एग्जॉटिक नेचर के नाम से, ठीक है। व्यूअर्स, अनकरीब इंशाल्लाह मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ जो शाहजी के कंप्लीट सेटअप की होगी, जो दूसरा सेटअप इनका बन रहा है। अक्सर ऐसे होता है कि वीडियो में जब मैं बोलता हूँ कि बैक एंड पे या दूसरे सेटअप पे, तो मेरे व्यूवर जो हैं वो बेसब्रे हो जाते हैं, मेरी तरह बेसब्रे हैं मेरे सारे दोस्त, कि वो फौरन से कहते हैं जी वो दूसरे सेटअप की वीडियो बनाएं। व्यूवर्स, जब तक कंप्लीट नहीं होगा हम सस्पेंस रखेंगे, जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको रावलपिंडी के इस लियाकत रोड पे, जो कि बहुत गुंजान आबाद इलाका है, जहां पर अक्सर आप आते हैं तो शायद आपकी गाड़ी मोटर बाइक भी जो है वो ट्रैफिक में फंस जाती है, लेकिन हम आप यहां पर आपको लायंस दिखाने वाले हैं, हॉर्सेज हमने हल्की सी झलक आपको दिखाई है, बड़े अच्छे अच्छे ब्रीड्स के हॉर्सेज दिखाएँगे, बैल दिखाएँगे, और जो एग्जॉटिक बर्ड्स जो होंगे वो आपको दिखाएँगे। चिंपैंजी भी लाएंगे? अच्छा इंशाल्लाह जी, चिंपैंजी भी इरादा है। अब देखें, जब कंप्लीट होगा सेटअप तो मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करता कि उसमें ये क्या क्या जानवर होंगे, लेकिन जिस तरह से शाहजी और गुलफाम भाई ने हमें कहा, तो वीडियो में ज़रूर बना के आपको दिखाऊंगा, जो बर्ड्स और जो एनिमल्स होंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। गुलफाम भाई, सारे हीरे? सारे हीरे ब्रीड हैं, ठीक है, बीच में सफ़ेद हो गई है, पट्ठे भी दिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। थोड़े से मैंने कुछ आगे पीछे दोस्तों को दे दिए हैं। अच्छा, कोई 10-15 एक जगह और छोड़े हुए हैं।
ठीक है। तो मैंने कहा अभी फेंक देते जब ये सेटअप पूरा, क्योंकि पेंट का काम हो रहा है, पेंट में ना थोड़ा सा ऐसा वो निकलती है ना, पेंट में से वो स्मेल आती है, स्मेल आती है ना, तो परिंदा खराब होता है। ठीक है, इसलिए हमने उधर ज्यादा जगह रखी थी, वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किए हैं अभी। ठीक है, 3 दिन हुए जोड़े को यहाँ पे शिफ्ट किए हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी भी आस्ता आस्ता करके सारे मंगवा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह करीब इनका जब ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको शो कराएंगे। ये देखें फैंसी का भी है, तो काफ़ी बड़ा सेटअप है, आपको सारे का इंशाल्लाह शो कराएंगे इन करीब। एक मादी उधर बच्चे दिए हुए हैं। अच्छा, एक मादी ने यहाँ पर बच्चे भी दिए हुए हैं गुलफाम भाई के। ये देखें गुलफाम भाई, ये मुर्गा कौन सा था इसके साथ? शाह जी, हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में और अपने सेटअप के बारे में? बस जी, अल्लाह खुश रखे आप सबको और अल्लाह सेहत दे आप सब। आमीन, आमीन। और हमारे भाई को अल्लाह इज्जत दे और इस पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शाह जी हमारे चैनल को प्रमोट कर रहे हैं, शाह जी ने आपको बोल दिया कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्या आप चैनल पर आते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है, वीडियो भी देख लेते हैं, लाइक्स थोड़े होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटअप पे भी आपको मैं विज़िट कराऊंगा और गुलफाम भाई से भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा तो हमने ले लिया। क्या आप गुलफाम भाई हमारे व्यूवर्स को और हमारे चैनल के बारे में और सेटअप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाएं भाई जी। इस तरह है कि जो भी भाई है ना, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर बंदे का शौक़ पूरा करें। कुछ की कैपेसिटी कम होती है, कुछ की ज़्यादा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि किसी भाई की दिल आज़ारी ना हो, सब भाई हैं, एक दूसरे के तावन से चलेंगे। और इंशाल्लाह बस आप भी दुआ करें और हम भी दुआ करते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो, ना अल्लाह पाक ऐसा करने की तौफीक दे। ठीक है, हर बंदे के साथ चाहे छोटा शौकीन हो चाहे बड़ा, इंशाल्लाह सब के साथ अच्छा तावन करेंगे, छोटे शौकीन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह पाक भी खुश होता है हर बंदे के साथ तावन करने से। ठीक है, बस आप भी हमारे लिए दुआ करें कि नया सेटअप है, अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले और हमारी नीयत साफ़ है इंशाल्लाह, और आगे भी चलेंगे और कोशिश करेंगे अच्छी चीज़ लेके आए। सही सही, ठीक हो गए, ठीक हो। व्यूवर्स, शौक का कोई मूल नहीं, इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी है शाह जी की। ये सिर्फ शौक़ की वजह से कि शाह जी को शौक़ है एनिमल्स का, बर्ड्स का, तो उस शौक़ को देखें। अभी प्रोफेशनलिज्म में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे भी एक मिनी ज़ू हम यहाँ पर आपको रावलपिंडी के अपने इस गुंजान आबाद इलाके में दिखाएंगे अनकरीब इंशाल्लाह। तो शाह जी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के आदमी हैं, गुलफाम भाई को तो आप जानते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, अक्सर हमें जो इंसान असील बर्ड्स के बारे में बताते रहते हैं। पिछली वीडियो मैंने अपलोड की है इनकी, वीडियो पे ज़रूर जाएं, वीडियो कंप्लीट देखें और लाइक भी करें इसको। तो इंशाल्लाह शाह जी फिर आप हमसे प्रॉमिस करते हैं कि आप सेटअप जब कम्प्लीट करेंगे तो हमें दिखाएँगे। जी इंशाल्लाह जनाब, ज़रूर दिखाएँगे, बल्कि कोशिश करेंगे अपने व्यूवर्स को भी कोई ऐसा एक दिन हो कि जिस दिन मतलब विज़िट हो सब के लिए ओपन। ठीक है, यानी कि हमारे व्यूवर्स में से अगर कोई भी आना चाहे आपका सेटअप विज़िट करना चाहे तो आप वो उनको दिखाएंगे। तो वैसे तो हम जो जहां पर भी जाते हैं कोई सेटअप या कोई ज़ू वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे हमें टिकट लेनी पड़ती है, यहाँ पर हमारे चैनल के तवसत से आप हमें क्या ऑफर करते हैं? तो अगर आपके चैनल के हवाले से भी कोई आएगा या वैसे भी कोई आएगा उसको हम अपना जो भी हुआ है जनाब इंशाल्लाह उसके साथ सही है इंशाल्लाह। व्यूअर्स, सेटअप कंप्लीट होते ही मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूंगा और आप लोगों को सबको खुली ऑफर है, शाह जी के सेटअप पे आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। शाह जी इंशाल्लाह आप जब मुलाकात करेंगे तो इनकी पर्सनैलिटी को आप जान जाएंगे। थोड़े से शाये हैं लेकिन बहुत अच्छे आदमी हैं और काफ़ी मेहमान नवाज भी हैं। आप आएंगे तो गुलफाम भाई से तो आप मिलते रहते हैं, गुलफाम भाई तो माशाल्लाह हमारे बड़े भाई हैं और शाह जी अब हमारे मोहसिन भी हैं, बड़े भाई भी हैं। शाह जी के सेटअप पे भी आप आएँ, इनसे मुलाकात करें तो यहाँ पर आपसे मुलाकात भी होगी, आपको शौक भी करवाएंगे। फर्दर जो भी अपडेट्स इन्फोज़ होंगी उसके बारे में आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकें और मेरा तो ऑलरेडी मौजूद है, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल और SMS विल बी नॉट एंटरटेन्ड। तो इंशाल्लाह अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
लेकिन नेक्स्ट वीडियो अभी सेटअप की नहीं होगी, बाकी वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा, सेटअप कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, इसी तरह ना जाएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।